नमस्कार दोस्तों, आज हम 21st, 71st एंड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे और इनको एक ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। अब देखते हैं कि 8वीं अनुसूची या 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। तो पहले ही जानते हैं कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ये 22 लैंग्वेजेस हैं इस शेड्यूल में, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सैंथली, मैथिली एंड डोगरी। इनिशियली देर वर द 14 लैंग्वेजेस। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल था तब इसमें 14 ही लैंग्वेजेस थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। उसके बाद 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला अमेंडमेंट 21st अमेंडमेंट हुआ जिसमें सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। दूसरा 71st अमेंडमेंट था, इसमें मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली लैंग्वेज जोड़ी गई थी। थर्ड जो है वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें 4 लैंग्वेज बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई थी। अब इनको आप देख सकते हैं कि अगर आप 92nd अमेंडमेंट ऐड याद रख रहे हैं तो आप 21 और 71 को अगर ऐड करेंगे तो ये 92nd आ जाएगा। 21 एंड 71 इज इक्वल टू 92nd। तो 3 एक्ट्स आप याद कर सकते हैं। पहला फर्स्ट है, 21st नंबर आपको याद रहेगा आसानी से। सेकेंड भी 71st है, थर्ड 92nd है। तो ये अब लैंग्वेजेस कितनी ऐड हुई हैं। इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, नाउ 22 लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या हैं। करंटली 6 लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस में हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये वो लैंग्वेजेस, इन ये सारी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो देख सकते हैं तमिल सबसे पहली फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत 2005 में बनी थी, कन्नड़ा एंड तेलुगु 2008 एंड मलयालम 13 में एंड उड़िया 14 में। तो फर्स्ट आपको याद कर सकते हैं, तो TS के मूव करके आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक में बड़ा आसान रहेगा, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट आप याद रखिए, तमिल एंड उड़िया। इधर अब देखते हैं 92nd अमेंडमेंट को याद रखने की ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत ही आसान है, इसको आप DBMS की तरह से याद कर सकते हैं। तो DBMS यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे डाटा को मैनेज करते हैं कंप्यूटर पर। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, तो जिसको हम देख सकते हैं, डी को डोगरी, बी बोडो, एम मैथिली एंड एस सेंथली, या फिर इसको आप बोडो मास की तरह भी याद कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में एक ट्रिक है बोर्ड मास, तो बोर्ड मास BDMAS, तो बोर्ड मास से भी आप इस 92nd अमेंडमेंट को याद कर सकते हैं। वैसे DBMS इजी लग रहा है अगर आप कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो DBMS बहुत ही फेमस वर्ड है जो आपको याद रहेगा। हम क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following language is not part of the 8th schedule of Indian Constitution? 8th schedule का कौन सी language part नहीं है? Options है हिंदी, English, संस्कृत, उर्दू। ये important question है, आप इसको याद देख सकते हैं। तो हम इसका answer देखते हैं। English is not part of the 8th schedule of the Indian language. जो 22 languages हैं उसमें English नहीं है, ये आप हम याद रखिएगा, बहुत ही important है। हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, हमने पहले ही देखा 22 लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं है। तो यू कैन रिमेम्बर दिस, इंग्लिश इज नॉट इज अ पार्ट ऑफ द 8th। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।